हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक हम मिडाइवल हिस्ट्री में सल्तनत काल में चल रहे हैं, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक चला था। सैयद वंश के संस्थापक खिलज खां थे। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिलज खां, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जहाँ भी मैंने ऐसे क्रॉस का निशान लगाया हो, इसका मतलब होता है कि नहीं किया गया। सैयद वंश में जो खिलज खां थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सैयद वंश के खिलज खां इकलौता सिया से थे, सिया संप्रदाय से थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। उसके बाद एक खिलज खां था। खिलज खां कौन था? अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलज खां कौन था, तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। दूसरे शासक है हमारे मुबारक खां। मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। तारीख है मुबारक शाही। सैयद वंश की जानकारी, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो तारीख ए मुबारक शाही से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी मुबारक शाह ने। अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ फ्रेंड्स, आप एक करेक्ट कर लीजिए, यहाँ मुबारकाबाद नहीं होगा, मुबारकाबाद होगा। मुबारकाबाद की स्थापना की थी मुबारक खान ने। हमारा सैयद वंश से यही कुछ टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लोदी वंश। लोदी वंश की शुरुआत हुई थी 1451 से 1526 तक। अक्सर हमें क्रमवार सजाने के लिए भी कह दिया जाता है, तो इसके लिए ये सन याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लोदी वंश की शुरुआत होती है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का का प्रचलन किया था। बहलोल लोदी ने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो बहलोल शाह गाजी इन्होंने उपाधि धारण की थी। ये बहलोल लोदी अपने सरदार को मकसद ए अली कह के पुकारते थे। बहलोल लोदी के पुत्र हुए निज़ाम खान, इन्होंने उपाधि धारण की सिकंदर लोदी की। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। ज्वालामुखी की मूर्ति को इन्होंने ही ध्वस्त किया था। गले की बीमारी के कारण इनकी 1517 में मृत्यु हो गई। इस वंश के लोदी वंश के तीसरे शासक होते हैं हमारे इनके सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है जिनके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने लोदी को हरा दिया था। हमारा जो हमारे इंडिया में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वो ऐसे ही बाबर हमारे भारत में नहीं आए थे। इनको निमंत्रण दिया गया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण किन्होंने दिया था? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने दिए थे। और इनके चाचा आलम खां, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और दौलत खान लोदी और राणा छांगा ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करिए, यहाँ पे बहुत सारा धन है, आप इसे लूटिए और जाइए यहाँ से। उसके बाद अष्टभुजी चबूतरा का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। फ्रेंड्स, आज हमने दो टॉपिक को कवर किया है। पहला है सैयद वंश, मैं इसको फिर से रिकॉल करा देती हूँ, सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर दूसरे हैं हमारे लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक। फ्रेंड्स, हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी शासक थे, मैंने सब का शॉर्ट नोट्स बनाया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछ जाता है क्वेश्चन इसमें से। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 में से 98 तक आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक हम विजयनगर साम्राज्य से लेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।